देखिए बिहार में हमारी सरकार बनी है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में और हमें जवाबदेही मिला है मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय, और इसमें हम चाहेंगे कि बिहार में जो हमारी सरकार का संकल्प है कि 20 लाख युवा को रोजगार देना, उस सेक्टर में हम डेयरी के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत सारे युवा को रोजगार दिया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग डेयरी में घूम रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, किस जगह पे मछुआरा के लिए क्या क्या स्कीम लाना चाहिए ताकि बिहार में दूसरे प्रदेश से मछली बिहार नहीं आए और बिहार में मछली का उत्पाद बढ़े, और उसी तरीके से डेयरी सेक्टर में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं ताकि बिहार में युवा डेयरी से जुड़े और दूध का उत्पाद करे और वो बेहतर ज़िंदगी जी सके, ना ही दूसरे प्रदेश में जाकर उनको धक्का खाना पड़े। तो इसके लिए हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं और सब जगह देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या पॉलिसी पे किस तरीके से काम हो रहा, क्या कठिनाई है, कहाँ पे हमें सरकार का सपोर्ट देना चाहिए, ये सारे चीज़ के लिए हम पूरे बिहार में खास करके जिस विभाग से मैं हूँ उस विभाग में समीक्षा कर रहा हूँ और उसकी जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। सर, क्या पाया अब तक जो आपने जितने जिलों का भ्रमण किया, क्या स्थिति? इसमें बहुत कुछ अच्छा है, बिहार में ये सारे चीज़ डेवलप है, डेयरी सेक्टर हमारे बिहार में डेवलप है और इसमें बहुत ही अच्छा काम अभी ऑलरेडी हो रहा है और आने वाले समय में इसमें और भी तेज़ी लाने की आवश्यकता है। इसमें बहुत सारा संभावना है कि लोगों को जोड़ना और इसमें काम करना, तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत अच्छा हम लोग पॉलिसी बनाएंगे जो डायरेक्ट सरकार किसान तक सरकार का लाभ पहुँचे सब्सिडी का, और डेयरी के साथ जुड़ के हम लोग सारा काम करेंगे तो किसान तक भी मजबूती से काम होगा। नए और खुलने की कोई योजना नहीं? खुलने की आवश्यकता अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसी डेयरी को बढ़ाया जा सकता और दूध कैसे उत्पाद हो बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे पास जितना दूध चाहिए उससे ज़्यादा हमारे पास फैक्ट्री कैपेसिटी है, तो हमें दूध कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा हो तो उसके लिए हम किसान को किस तरीके से इस सेक्टर में जोड़ना है उस पर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। सर, जलकर में हमें सवाल, क्या गठबंधन में सब ठीक है, NDA गठबंधन में आपको कोई गलत लग रहा है? जिस तरह से सरकार चल रहा है, सरकार का मंत्री आपके सामने खड़ा है और फिर भी बोल रहे हैं, तो मतलब कांग्रेस का बयान आया, VIP के विधायक आएंगे कांग्रेस में बंगाल चुनाव के बाद, ठीक है तो इंतजार करते रहे। ये मंत्री विस्तार में जिस तरह से लेट हो रही है, कई तरह की बातें निकल रही है, ये सब कोई बात नहीं, सरकार का पार्ट है, इंटरनल चीजें है, ये सारा चीज आप लोगों को कैसे पॉलिसी डिसीजन बताया जाएगा, सरकार में जब भी इच्छा होगा सभी काम किया जाएगा। ये सब बेमतलब का लोग तसल्ली देने के लिए दिन में सपना देख रहे हैं कि उधर सरकार टूटेगा हमारे साथ आएंगे सरकार बनेगा, मतलब वो सपना देख रहे हैं, ये सपना 5 साल उनका पूरा नहीं होने वाला।